नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का वीडियो पायल और बिछिया पर केंद्रित है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत से लोगों ने बोला है कि दीदी आप हमें सही जानकारी दीजिए, हम सोने की पायल पहनना चाहते हैं, सोने की बिछिया पहनना चाहते हैं, हम क्या करें। तो उन्हीं की जो प्रॉब्लम है उसको मैं आज सॉल्व कर रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमा श्री। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। मित्रों, पायल और बिछिया निश्चित रूप से सुहाग का अंग है। सुहागनों के लिए जो जो आभूषण बताए गए हैं उनमें प्रमुख है बिछिया तो, और जो पायल है ये विवाह के अवसर पर पहनाई जाती है। मांग में सिंदूर भरा जाता है, नाक का लौंग है, कई घरों में मामा की तरफ से आता है, तो इन सब चीज़ों का विशेष महत्व है, नो डाउट। लेकिन कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो हमारी कमर से नीचे के अंग हैं उनमें सुवर्ण धारण नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों की बात है, शास्त्र भी कहते हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं, क्योंकि हमारे पुराने शास्त्रों की बात करें हम, उनमें बहुत सही जानकारी दी गई है और उनको हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन कुछ मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि पुराने शास्त्रों में शिकार प्रथा है, पहले शिकार प्रथा थी, आज नहीं है। सलमान खान का केस आपको मालूम है ना, काले हिरण वाला। तो इसलिए आज के संदर्भ में बहुत सी बातों को आपको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रही हूँ टॉपिक को, लेकिन बताना ज़रूरी है। तांत्रिक ग्रंथों में हत्या जोड़ी और इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है, लेकिन आज अगर कोई किसी हत्या जोड़ी का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, वो गिरफ्तार तक हो सकता है। तो यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें विशेष रूप से आज के संदर्भ में बदलनी ज़रूरी है। पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि फला के पास हाथी घोड़ा होगा, तो हाथी घोड़ा तो आज किसी के पास हो नहीं सकता। उसका सब्स्टिट्यूट है कि कार स्कूटर वगैरह होगा या कोई और लग्जरियस कार होगी। तो इन सब चीज़ों को आज के संदर्भ में देखना चाहिए। तो आज के संदर्भ में मैं बात करूं तो सोने की पायल और सोने की बिछिया बहुत चलन में है और स्त्रियाँ इसको धारण भी करती हैं। और वैसे ज्योतिष की बात करूं तो पैरों पर मीन राशि का अधिकार है, मीन राशि का अधिकार है, और वहीं आप पायल और बिछिया पहनते हैं। तो मीन राशि का तो प्रमुख जो धातु है वह स्वर्ण ही है, तो अगर उस दृष्टि से आप इसको देखें तो मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। और सोने की बिछिया और जो पायल है, मैंने मैक्सिमम पैसे वाले अथक करोड़पति धनपति घर जो परिवार हैं उनकी स्त्रियों को पहने हुए देखी है, और मैं स्वयं भी धारण करती हूँ। आपको बताऊँ, मैं खुद स्वर्ण की बिछिया धारण करती हूँ और मुझे इससे बहुत लाभ हुआ है, आर्थिक लाभ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन एक चीज़ है कि जो स्वर्ण की जब आप पायल और वो पहनते हैं बिछिया, तो आपका काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस काम की वजह से कई बार आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हो, ये स्थिति होती है। इसके अलावा जिनका कुंडली में बृहस्पति बहुत ख़राब हो उनको थोड़ा सा सोच समझ कर धारण करना चाहिए। लेकिन जो जैन परिवारों की महिलाएं हैं उनको मैंने मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर स्वर्ण ही पहनती हैं वो, सोने की पायल। और वो मैंने पूछा उनसे कई बार, तो उन्होंने कहा कि हमें तो हमारे परिवार में बहुत शुभ माना जाता है और चांदी की कोई धारण ही नहीं करती हैं स्त्रियाँ, सोने की ही पायल और सोने की ही बिछिया धारण करती हैं। और यकीन नहीं मानोगे आप, उनके घर में सुख सौभाग्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उनके घर में तो हजारों फिर लाखों फिर करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं वो लोग, और घर में एकता का भाव रहता है, घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रहती है। आपको पता ही है कि जैन परिवार कितने संस्कारी होते हैं, तो वहाँ पर आप देखिए, आप खुद जान जाएंगे कोटा डोरिया की साड़ियाँ, और ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। इसके अलावा सोने की पायल और सोने की बिछिया वो लोग पहनते हैं। सबसे ज़्यादा जो गलत है मेरे हिसाब से, आप चाहे तो स्वर्ण की पहने, मैं स्वयं भी स्वर्ण की ही पायल पहनती हूँ, लेकिन कई बार नहीं भी पहनती हूँ। आपको बताऊँ, मैं हमेशा नहीं पहनती हूँ। पुराने लोग जो सोने की या चांदी की जो पायल पहनाते थे, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये होता था कि पहले ससुर देवर जेठ इनमें इनको पता चल सके कि बहू आ रही है, तो वो थोड़ा सा सावचेत हो जाएं या बहुएं आसानी से अपना काम कर सकें। तो इसलिए पायल की झनकार से वो समझ जाते थे कि बहू आ रही है या बहू इधर उधर जा रही है। इसके पीछे ये भी, इधर उधर से मतलब गलत सेंस में मत लेना, घर की ही बात कर रही हूँ, तो उसमें उनको पता चल जाता था। एक तो ये बड़े बुज़ुर्गों को पता चल जाए कि घर में स्त्री है और स्त्री अपना काम इधर कर रही है उधर कर रही है, रसोई में है या कमरे में, उनको पता चल जाए, ये इसका बहुत बड़ा कारण था। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करता है, और
इससे महिलाओं के बहुत सारे स्त्री रोगों से उनको मुक्ति मिलती है, उनका गर्भाशय पुष्ट होता है। तो इसलिए मेन इनका जो एक्यूप्रेशर महत्व बहुत ज़्यादा है, बिछिया का, पायल का, टीका का, इनका वो महत्व बहुत ज़्यादा है। अब कोई मनुष्य क्या है कि किसी बात को नहीं मानता है तो उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है कि अगर तुम ये नहीं करोगी ना तो पति के साथ ये हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं बहुत सी ऐसी स्त्रियों को जानती हूँ जो बिछिया नहीं पहनती, पायल नहीं पहनती, फिर भी उनके पति उनको बहुत प्यार करते हैं, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और भगवान की दया से उनको सुख सौभाग्य भी बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, सुहागन है और बहुत खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो आज के संदर्भ में ये बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, किसी मिथ को लेके ना पालें। जब तक आपके दिल से आवाज़ नहीं आएगी कि मुझे अपने पति के लिए बिछिया पहननी है या पायल पहननी है, तब तक हर चीज़ व्यर्थ है। दूसरा, कई स्त्रियाँ पायल बिछिया तो पहन लेती हैं लेकिन पति का नाम अपने मुँह से लेती हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। तो वहाँ उनके संस्कार कहाँ चले जाते हैं जब आप मुँह से पति का नाम बार बार लेते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि भले ही आप बिछिया पायल ना पहनो, पहनो आपकी इच्छा है तो, लेकिन कम से कम अपनी जुबान से पति का नाम तो मत लो। पति का जुबान से नाम लेना शास्त्र में वो ज़्यादा बहुत गलत बताया गया है और वो पति की आयु के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, लेकिन आज की स्त्रियाँ कहाँ मानती हैं इन बात को।